हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे स्मार्ट विश चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने फिर से आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लाया हूँ जो थोड़ा सा अलग है। मैंने ऑलरेडी अब तक होम थिएटर का रिव्यू दिया हूँ, तो बहुत दिन बाद मैंने अभी एक सैमसंग का गीगा पार्टी ऑडियो, जैसे पार्टी स्पीकर है ये, बहुत बड़ा है, 1500 वाट का दिखाया जा रहा है, तो ये मैंने लिया है और इसका रिव्यू आपको डिटेल में देने वाला हूँ। आखिरी तक देखते रहिए। इसका मॉडल नंबर है MXT70। इसकी खासियत ये है कि इसको अगर आप ऑनलाइन देखने जाएंगे तो आपको करीबन 36,000 तक ये पड़ जाएगा, 35 तक, और ये करीबन 45 या 46 के MRP में ये आपको मिलेगा। मगर मैंने रिलायंस कनेक्ट से इसको लिया है तो करीबन मुझे 25,000 में इसको मैंने ले लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको कम कीमत में मिल रही है, तो आप भी ले सकते हैं वहाँ से। लोकल जहाँ पे मैं रिलायंस के जो स्टोर है डिजिटल, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते कि इसमें क्या क्या है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसमें एक ऑडियो टेस्ट भी रहने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स का। सबसे ऊपर हम देखेंगे तो 1500 वाट का टोटल RMS दिखाया जा रहा है। ब्लूटूथ है, कौन सा वर्जन है अभी तक इसमें दिखाया नहीं जा रहा है, क्वालकॉम ऑप्टिक्स करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे में अगर देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ खासियत बताई जा रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वो चीज़। यहाँ पे देखिए, बाई डायरेक्शनल साउंड है यहाँ पे नीचे में, और हाई पावर 1500 वाट्स दिखाया जा रहा है, बिल्ट इन वूफर्स दिखाया जा रहा है, LED पार्टी लाइट्स भी है इसमें, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ बाद में। बेस बूस्टर है इसमें, और कैरियोके मोड है, और ग्रुप प्ले करके यानी आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ स्पीकर्स। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ब्लूटूथ मल्टी कनेक्शन भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर में इन्होंने सैमसंग में दिखाया जा रहा है कि मॉडल MXT70XL है। यहाँ पे गीगा ऑडियो करके बताया जा रहा है, क्वांटिटी 1N, और क्या क्या मिल रहा है इसके साथ। अपने को बैटरी मिल रही है, पावर कॉर्ड मिल रही है, जो बुरी बात है, इतना पैसा देने के बाद भी आपको इसमें माइक्रोफोन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा कि इसमें माइक है, और मैंने देख लिया इसको ओपन करके तो वहाँ पे भी माइक नहीं दिखाया जा रहा है, तो वो आपको मार्केट से अलग से लेना पड़ेगा। जो अच्छी बात है, देखिए MRP आपको मैंने बोला था 43,000 तक है, ये आपको 25 तक मिल जाएगा। बाकी सब यहाँ पे डिटेल्स बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या है, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए जल्दी से इसको, बस इतना ही था इसमें, बॉक्स में ऊपर में यही लिखा है, यही डिटेल दिए है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि और इसमें स्पीकर कैसा रहेगा। पहले फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं कि मॉडल कैसा है, और फिर बाद में अपन ऑन करके उसको डिटेल साउंड टेस्ट भी कर लेंगे। तो देखिए ये स्पीकर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ साइड में मेरा सोफा है, तो इसकी हाइट आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, आपको आइडिया आ रही होंगी, तो कि ये कि बहुत बड़ा है। एक्चुअली ये 2.5 फीट से भी ऊपर है हाइट में, अगर गिना जाए तो 3 फुट तक ये हो सकता है। और बाय साइड इसमें वूफर, बिल्ट इन वूफर और नॉर्मल स्पीकर्स लगे हैं बोथ साइड, और मैं आपको पीछे की साइड भी दिखाने वाला हूँ। मैं पहले आगे की साइड आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा देखिए यहाँ टाइप पे आप अगर क्लोज देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये वूफर है, और यहाँ पे उसके स्पीकर से नॉर्मल वाले। ऊपर में हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सब ऑपरेटिव दिया है, स्विचेस यानी प्ले पॉज के लिए दिया है, रबराइज फिनिश के साथ बेस के लिए दिया गया है, प्लस माइनस करने के लिए सेटिंग्स के लिए है, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए और इनपुट के लिए दिया गया है। तो इस टाइप का है। यहाँ पे ऊपर में अलग से इन्होंने एक डिस्प्ले दिया है जो मैं आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ, ब्लैक इसमें दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी साइड में आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको स्पीकर्स वगैरह दिखेंगे, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा कैमरा ज़्यादा मूव कर रहा हूँ। तो इस टाइप का यहाँ पे इन्होंने दिया है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, शायद वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको ना पता चले, मगर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हेवी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नेट है, यहाँ पे जो ग्रिल है, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की इन्होंने मेंटेन की है। वैसे भी सैमसंग अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना है, मुझे उसके स्पीकर्स पसंद आते ही है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसकी पीछे की साइड कैसी है। तो अब पीछे में देखेंगे तो मैंने आपको पीछे में ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए अलग स्विच दिया गया है LED इंडिकेशन के साथ, और यहाँ पे स्टीरियो के लिए और एक फंक्शन दिया गया है इन्होंने, ग्रुप प्ले मैंने जो ऑलरेडी फंक्शन बताया है, और यहाँ पे USB+ और USB 2 के लिए ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो हम नीचे में थोड़ा आएंगे, यहाँ पे देखेंगे दूसरी सेटिंग, ये जो है बड़ा वाला, ये आपको ये हैंडल दिया है इन्होंने पकड़ने के लिए, जो काफी अच्छी बात है।
यहाँ पे माइक्रोफोन के लिए जो माइक आप यूज़ करेंगे उसके लिए ये स्विच दिया गया है, और वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम के लिए दिया गया है वहाँ पे सेकंड वाला जो है, और वहाँ पे नीचे में माइक वन और माइक टू के लिए अलग से स्विच दिया गया है, वो ऑलरेडी सेटिंग है वो माइक के लिए दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा के लिए तरह वो RCA पोर्ट दिए गए जो आपको कनेक्ट करना है किसी के साथ वगैरह, टीवी के साथ वगैरह, तो ये कनेक्ट हो जाता है उसके लिए इन्होंने दिए गए हैं। तो बाकी और कुछ नहीं, नीचे में मैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे पावर कॉर्ड लगता है, स्विच कनेक्ट होता है। तो इसी तरीके से ये काफ़ी हेवी है, आप ले सकते हैं, अगर आपको सही प्राइस में मिलता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम सुन लेते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, और देख लेते हैं कि इसका साउंड कैसे करता है। मैं थोड़ा कम ही रखने वाला हूँ क्योंकि ये 10x10 के रूम में है, ये हॉल हॉल के लिए या बड़े बड़े पार्टी के लिए बना है, ये एक सादे रूम के लिए तो नहीं बना है, छोटे से रूम के लिए। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग रहेगी, आप आपके हेडफोन पहन लेना, और नॉर्मली ये साउंड काफ़ी अच्छा करता है, इससे ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग रहेगी, ये याद रखना हमेशा। तो ठीक है चलिए जल्दी से करते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा एक पॉइंट भूल गया था कि एक हमेशा की तरह यूज़र मैनुअल आता है, और ये रिमोट है, रिमोट हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्वालिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लाइट के लिए दिया गया है, वो जो मैंने थोड़ा एक रॉन्ग फंक्शन बताया ऊपर में जो सेटिंग्स का नहीं है साइन, ये साइन लाइट का ही है, इसमें लाइट्स भी लगते हैं उसके लिए दिया गया है। तो इनपुट के लिए और ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए, USB के लिए, ऑक्स के लिए अलग से स्विच दिया गया है, साउंड मोड के लिए दिया गया है, प्लस माइनस टेम्पो के लिए दिया गया है, इफेक्ट DJ प्लस माइनस करने के लिए इन्होंने दिया है, डाउन और अप के लिए स्विच दिया गया अलग से, प्लस वॉल्यूम के लिए, प्लस माइनस के लिए, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग के लिए या ट्रैक के लिए स्विच दिया गया है, प्ले पॉज के लिए दिया गया है, और यहाँ पे म्यूट के लिए और बेस के लिए और शफल के लिए अलग से स्विच दिया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सेल इसके साथ ही आते हैं। सैमसंग हमेशा स्मार्ट रिमोट देता है, मैंने ऑलरेडी कुछ सिस्टम में मैंने देखा है, मगर इसमें स्मार्ट मुझे लगा नहीं, ये नॉर्मल सा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी रिकॉर्डिंग, बाकी साउंड रिकॉर्डिंग। तो देखिए ये थोड़ा ऑन हो चुका है, यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन दिख रही होंगी, मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो जल्दी से इसको कनेक्ट कर देते हैं पेयरिंग में डाल के। तो देखिए ये कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि कनेक्ट हो चुका है सैमसंग पार्टी T70। तो जल्दी से प्ले कर लेते हैं, मैंने हाफ पे रखा है साउंड, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत शेक करने वाला है रूम, तो इससे ज़्यादा रहेगा। और आप थोड़ा नीचे में देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, LED लाइट्स देखिए इस टाइप के यहाँ पे नीचे में, और थोड़ा सा साइड में इसका आउट आ रहा है अलग अलग इसके, और इसकी सेटिंग भी दी गई है कि आपको अगर लाइट्स को कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। Listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always move. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs. It's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. यहाँ पे देखिए आप ग्रीन लाइट यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इसका सबवूफर है बड़ा वाला, मुझे थोड़ा दिखा नहीं था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा सबवूफर इन्होंने फिट किया है जो काफी अच्छी बात है,
और काफी अच्छा वो यानी डिलीवर कर रहा है साउंड को। रेस्टोरेंट के लिए वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ सिर्फ माइक नहीं आ रहा इसलिए मैं आपको टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो बाकी तो आप ले सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो गए तो आप पूछिए, मैं इसके आंसर आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।